अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रिजवान चीमा, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी। आज की वीडियो में लाहौर स्मार्ट सिटी में जो 10 मरला के विलाज हैं या ओवरऑल डेवलपमेंट है ब्लॉक ए में, उसके हवाले से बताऊंगा। ये 21 एपिसोड है वॉकिंग टेल सीरीज की। तो इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली ये साइट पे 10 मरला के जो विलाज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उसके हवाले से है। अभी स्ट्रीट पर 23 विलाज हैं। अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स की जो इस ब्लॉक ए में बनते हैं और उनके साइजेस की और इनमें से विलाज कितने बन रहे हैं, तो टोटल जो साइज़ है यहाँ पे प्लॉट्स के वो तकरीबन बनते हैं 35x65 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट 10 मरला के, इसके अलावा 50x90 500 स्क्वायर यार्ड्स एक नाल के प्लॉट्स, टोटल नंबर बनता है यहाँ पे 600। अब 600 में से 1/3 प्लॉट ऐसे हैं इस ब्लॉक के जिन पे अभी इस वक्त विलाज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिनमें से तकरीबन अराउंड 60-65 विलाज जो हैं वो कनाल के हैं, बाकी 125 विलाज जो हैं 10 मरला के हैं। अब इस स्ट्रीट पे टोटल 23 विलाज हैं और कुछ विलाज ऐसे हैं जिनके फर्स्ट फ्लोर पर काम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इस साइड पे अगर इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस की बात करें तो इसकी चार साइड जो बनती है, नॉर्थ साइड पे आपको बनता है लाहौर ईस्टर्न बाईपास, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये आपका लाहौर ईस्टर्न बाईपास है जिससे एक्सेस फ्यूचर में जाके अवेलेबल होगी। अगर हम बात करें ईस्ट साइड पे तो लाहौर ग्रैंड ट्रंक रोड या लाहौर जी टी रोड, अगर हम बात करें साउथ साइड की तो लाहौर जो जी टी रोड का जो एक्सेस बनेगा उसका, और अगर हम बात करें वेस्ट साइड पे तो यहाँ पे आगे ओवरसीज ब्लॉक की कटिंग जाती हैं, लेकिन इसका मैप भी सोसाइटी ने ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया। ये जो विलाज बन रहे हैं 10 मरला के 35x65 250 स्क्वायर यार्ड, इन विलाज की स्टाइल जो है वो जॉर्जियन स्टाइल है और टोटल नंबर यहाँ पे जो इस स्ट्रीट पे हैं वो 23 विलाज हैं। इनकी खासियत ये है कि सारे के सारे मोस्टली जो हैं वो पार्क फेसिंग हैं। इसके सामने ऑपोजिट फैमिली पार्क है जिसकी मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा बाद में, लेकिन फॉर द टाइमिंग इन विलाज की अगर बात करें साइड पर जो बन रहे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, अभी सोसाइटी की तरफ से ऑफिशियली इनको लॉन्च नहीं किया गया। और इसकी मैं अगर विलाज की ओवरऑल डिटेल की बात करूँ डेवलपमेंट की यहाँ पे साइड पे, तो विलास की चुनाई का जो बेसिक काम होता है, मुश्किल काम चुनाई का होता है, से मुश्किल कहते हैं कि उसमें टाइम टेकिंग होता है, वो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट तकरीबन तमाम के तमाम विलास के फर्स्ट फ्लोर जो है कम्प्लीट हो चुके हैं और कुछ के लेंटर डाल गए हैं, कुछ के भी डल रहे हैं लेंटर। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट है विलास की 10 मरला के, जो जैसे ये विलास नंबर 2, 3, 4 इनके फर्स्ट फ्लोर पर काम हो रहा है। स्ट्रीट की बात करें तो घर के सामने जो स्ट्रीट है उसकी विड्थ है 60 फीट, यानी कि ये जो प्लॉट के सामने स्ट्रीट आती है। और इसकी स्ट्रीट की डेवलपमेंट की बात करें तो स्ट्रीट पर जितने के जितने विलास के सामने जितनी लाइन बनती है उसमें तमाम के तमाम प्लॉट्स पे आप कह लें कि फुटपाथ मुकम्मल है, सीवरेज मुकम्मल है, अंडरग्राउंड जो आपकी सीवरेज या वाटर सप्लाई है वो मुकम्मल है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंट की मुकम्मल हैं। यानी कि रेजिडेंट्स अगर लेट्स से इन विलास के कम्पटीशन के अगले ही दिन मूव करना चाहते हैं तो आपको जो सोसाइटी की तरफ से या लिविंग के लिए आपको बेसिक नेसेसिटी रिक्वायर्ड होती हैं वो आपकी तमाम की तमाम चीज़ें कम्प्लीट हैं। और इन विलास की अच्छी बात यह है कि इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे मॉस बन रही है। ये ओवरऑल विलास की डिटेल है 10 मरला के वॉकिंग टेल एपिसोड 21, 10 मरला के विलास जहाँ पे स्टैंड करते हैं मैं आपको बता दिया। बाकी आगे जाके मैं दूसरे जो डेवलपमेंट हो रही है साइट पे उस हवाले से सीरीज में इंशाल्लाह मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपने जिस कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है तो आपको उस कैटेगरी के हवाले से एक डिटेल रिव्यू मिल जाए कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ स्टैंड करती है या बाकी चीज़ें कहाँ स्टैंड करती हैं। अगर आपने लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर ली है और आप इन्वेस्टमेंट को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाहौर स्मार्ट सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।